आप दिए हैं पेपर, कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा? फर्स्ट टाइम थर्ड ग्रेड के बाद। अच्छा फर्स्ट टाइम, तो मतलब तो ये वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस वीडियो में होगा क्या। तो इस वीडियो में हमने दो कंपटीशन जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है करंटली, मतलब एक हो चुका है और एक जो चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला है CU CET जिसका एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है, और दूसरा है नीट। ठीक है, तो नीट का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है, वो मेरे मतलब आउट ऑफ सिलेबस है वो। तो उसका रिव्यू मैं अपने दोस्त लोग से लिया था और कुछ लोगों से भी पूछा हूँ सेंटर में जाके, तो उसको भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो करते हैं कि मैं निकल रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, कल मेरा पेपर है CU CET का, और कल ही सब पेपर कल ही हो जाएगा। और अभी मेरे को 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो निकलते हैं हम। कर रहे हैं नाश्ता, ठीक है। अभी का सीन ये है कि फर्स्ट स्लॉट हो गया है CU CET का, सेकेंड स्लॉट अभी होने वाला है, 3:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो भी निकलूँगा मैं। और कैसा गया पेपर मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको सेकेंड स्लॉट देने के बाद। फाइनली सेकेंड स्लॉट भी ख़त्म हो चुका है। पेपर सही था, मतलब इजी भी था, मॉडरेट भी था कुछ पेपर, तो मैं तो बोलूँगा कि सही है, आप लोग भी आराम से कर लो। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ही लिया था। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो दो स्लॉट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, स्लॉट 1 स्लॉट 2। स्लॉट 1 में मेरे पास 4 पेपर थे, मतलब पहला था हिंदी, दूसरा था अकाउंटेंसी, फिर इकोनॉमिक्स और GT मतलब जनरल टेक्स जिसको बोलते हैं। ये 4 सब्जेक्ट थे मेरे। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हिंदी जो था, मतलब आप बोल सकते इजी था हिंदी इन कंप्यूटर, आराम से आप कर लोगे, थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा। कुछ अलंकार जो होता है ना, जैसे यमक अलंकार, अनुप्लास अलंकार, ये सब थोड़ा देख लेना आप लोग। और जो अरेंज करने वाला जो क्वेश्चन, जो आप जो NTA MCQ रिलीज़ किया है, उसको भी सॉल्व करके जाना, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जो अरेंज करने वाला था वो भी ईजी था, आराम से कर लोगे। अकाउंट्स का बात करूँ तो डोमेन जो सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लोगे तो अकाउंटेंसी भी आपका हो जाएगा। मेरा थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूट गया था क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, लेकिन क्वेश्चन जो था इजी था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे घुमा के नहीं पूछा था, थोड़ा सा ट्रिकी था बट इजी था, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का बात करूँ तो इकोनॉमिक में केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन आए थे, तो आपको उसको भी थोड़ा फोकस कर लेना है कि मतलब वो भी पूछ सकता है। केस स्टडी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो केस स्टडी टाइप में एक बेनिफिट होता है कि अगर आप एक केस स्टडी को सॉल्व कर लेते हो ना, तो आप उससे रिलेटेड ही 3-4-5 क्वेश्चन दिया रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन तो दिया ही रहता है, तो आप 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही सॉल्व कर लोगे। तो अगर थोड़ा सा टाइम एफर्ट डाल के अगर समझ लेते हो तो आराम से आप कर लोगे। और GT का बात करूँ तो GT में 30-40 क्वेश्चन ईजी है, मतलब आप कर सकते हो आराम से, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगा। मैं GT का तैयारी नहीं किया था, फिर भी मैं 30-40 क्वेश्चन में करके आया हूँ, तो ऐसा है। और सेकेंड स्लॉट जब मेरा हुआ तो उसमें मेरे पास 2 पेपर थे, एक था BST और दूसरा था इंग्लिश। इंग्लिश इज़ क्वाइट गुड, मतलब इंग्लिश का भी मैं तैयारी नहीं किया था, मैं हिंदी पे ही फोकस किया था क्योंकि एक टाइम मेरे पास टाइम बहुत कम था, ठीक है। तो मेरे को चॉइस करना था या तो हिंदी या तो इंग्लिश, तो मैं हिंदी मतलब जो लैंग्वेज था उसी पे गया। इंग्लिश भी ईजी था, मतलब मैं उतना पढ़ा उड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 30 क्वेश्चन करके आया था। वो उसमें अनसीम पैसेज भी आता जिसको आप डायरेक्टली आप अगर थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे, एक ओवरव्यू लोगे लोग पैसेज का, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे ही तो 15 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे कि जो दो तीन पैसेज तो आ जाते हैं। और अगर बात करें BST का, तो BST इज़ क्वाइट ईजी, मतलब अगर आप अंडरस्टैंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं BST में ये बोलूँगा कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड आप 4-5 क्वेश्चन आराम से करोगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन दिया था। और BST में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जो प्रोसेस होता है ना सर, प्लानिंग का प्रोसेस होता है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, उसको रीअरेंज करने का मतलब क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब बहुत लोगों को डाउट भी था कि मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन था मतलब अकाउंटेंसी में, वो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन आए थे जो मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। और मैं भी यही बोलूँगा कि आप भी ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ, मतलब मेन जो चैप्टर जो आपको लगता है कि ये नहीं हुआ उसमें फोकस करो, आप उसमें ही आप अच्छा कर लोगे। सो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको मतलब शॉर्ट में सब कुछ बता दूं। अगर और भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। इतना ही था CU CET में, हाँ। और उसके बाद जैसे ही मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, मतलब 16 को मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ था, 17 को नीट था, मतलब
मतलब नीट का एग्ज़ाम था जो मेरे दोस्त लोग देने आ रहे थे, मतलब जहाँ पर मेरा सेंटर था वहीं पर देने आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि नीट का भी रिव्यू ले लेते हैं, जितने भी थे स्टूडेंट लोग से पूछा था कि कैसा रहा पेपर, तो उन्होंने भी बताया कैसा था, आप देख सकते हो। ईजी था, बायो लैंग्वेज थी, फिजिक्स बहुत ही ईजी था। ऐसा बहुत ईजी था, केमिस्ट्री में भी। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है इस बार हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। चलो अच्छा है। तो एन वक्त में पानी आ चुका है, आप देख सकते हो सब भाग रहे इधर उधर। और पेपर मैं और एक दो जन से अगर मिलता है तो मैं पूछ के बताता हूँ कैसा है, ठीक है? तो पानी आ चुका है, आप देख सकते हो भींग रहे हैं हम लोग। रिव्यू 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 दो जल्दी, कैसा गया एग्जाम? ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल से कैसा रहा पेपर? कैसे रहा कॉलेज, आप देख सकते हो। आई थिंक सब पेपर वेपर दे के आए अभी यहाँ से। क्या आप थोड़ा बता सकते हो, पेपर दे के आए आप लोग, तो कैसा रहा पेपर, मतलब थोड़ा बताइए। एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डर लगा, मतलब टफ आया था पेपर थोड़ा? टफ थोड़ी आई थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी आई थी, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। यस सर। ऐसा आप कुछ बताना चाहेंगे? पेपर ठीक था, जो बायोलॉजी का सेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा थोड़ा डर भी लगा था, बट मतलब हो गया था, टाइम से हो गया था। यस सर। हो गया था। यस सर। ओके, अब दिए हैं पेपर, कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा? फर्स्ट टाइम थर्ड ईयर के बाद। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, तो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? अच्छा रहा। मतलब कोचिंग वगैरह की थे आप कहीं से? सेल्फ, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर। अच्छा, नहीं अनुभव जरूरी है, तो नेक्स्ट ईयर कहाँ जाना चाहेंगे आप? नेक्स्ट ईयर मैं कोटा जा रही हूँ। कोटा जा रही है ना, चलिए अच्छा है, बेस्ट है। ऐसे पूरा स्कूल का रिव्यू है, यहाँ हो रहा था एक्चुअल एग्जाम। तो ओवरऑल अगर बात करूँ सी यू सी ई टी के बारे में, तो सी यू सी ई टी में ईजी टू मॉडरेट था, मतलब थोड़ा बहुत ईजी भी था, कुछ कुछ मॉडरेट भी था ऐसा। और अगर नीट का बात करूँ तो नीट में जितना मैंने रिव्यू लिया हूँ उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर जो था मॉडरेट था, मतलब बाकी आप लोग देख ही चुके हो। तो इस वीडियो को रखता अब यहीं तक, ठीक है? होप करता हूँ कि आपका जितना भी क्वेश्चन था थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व करने में हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया होगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।